जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा पाई नेटवर्क की प्राइस को लेके, पाई नेटवर्क के चेन माल को लेके, पाई नेटवर्क किस किस कंट्री में लॉन्च हो रहा है, किस किस कंट्री में क्या क्या चीज उसकी लॉन्च हो रही है, किस चीज का उसका दफ्तर लॉन्च हो रहा है, किस चीज का उसका स्टोर लॉन्च हो रहा है, क्या मेडिकल स्टोर लॉन्च हो रहा है, क्या उसका शॉपिंग मॉल चेन मॉल लॉन्च हो रहा है, क्या उसका रेस्टोरेंट लॉन्च हो रहा है, या कोई और इसकी जो मतलब दफ्तर की ब्रांच है वो लॉन्च हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहे। सो दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है तो आपसे गुजारिश है कि एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया के अंदर फिलहाल इन्हीं दिनों पिछले दिनों पाई रेस्टोरेंट जो है वो लॉन्च हो चुका है। उसकी प्रॉपर मैंने वीडियो बना के आपको दी थी जो कि रुड़की दिल्ली में हरिद्वार रोड के ऊपर मौजूद है। उसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन उसकी ये है कि आपको सबसे पहले 1000 वहाँ पे जमा करवाना होगा, 1000 सबसे पहले देना होगा, उसके बाद आपकी एज अ पेमेंट आपके कॉइन जो है वो लिए जाएंगे। सो ये तो उसका कंफर्म नहीं है कि वो कितने पाई कॉइन आपसे ले रहा है एज अ पेमेंट, तो ये भी बात उसकी खुल के आ जाएगी कि उसके प्राइस के हवाले से मतलब एक कॉइन वो कितने का परचेज कर रहे हैं, कितने का वो ले रहे हैं। सो एक और बात करूं कि पाई नेटवर्क चाइना के अंदर मेडिकल स्टोर, चेन मॉल, रेस्टोरेंट और भी दीगर इसके प्लेटफॉर्म है जो कि वहां पे बन चुके हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि पाई के जो कॉइन हैं उनकी वजह से उनकी निस्बत पाई कॉइन दे के आप वहां से गाड़ी खरीद भी सकते हैं, वहां से गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, वहां से मतलब चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया ये तीन ऐसे कंट्री हैं जहां पे आप पाई कॉइन दे के हर चीज खरीद सकते हैं। पिछले दिनों एक न्यूज आई हुई थी तो एक बंदे ने पाई कॉइन दे के कार खरीदी थी। कल की न्यूज में बताया जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल 2666 पाई में खरीदी गई है। ये भी चाइना की न्यूज की बात करूं, जी हाँ दोस्तों, तो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया ये तीन ऐसे कंट्री हैं जहां पे पाई नेटवर्क के कॉइन जो है इजिली एक दूसरे को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जहां से आप कोई ना कोई चीज खरीद सकते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर, इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर पाई चेन माल जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स क्या हैं? जरूरियात जिंदगी हैं, मोबाइल हो गए, घर की चीजें होगी, घर की जरूरियात होंगी, आपकी अपनी जरूरियात की चीजें होंगी, मोटर बाइक हो गई, कार हो गई, और इसमें मोबाइल भी आते हैं। सो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि कौन सा मोबाइल है, कितने पाई में आ रहा है, मोटरसाइकिल कितने की आ रही है यहाँ से। इसके अलावा और भी चीजें हैं कि यहाँ से आप मेडिकल स्टोर है वहां से प्रोडक्ट मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। मेडिसिन आप चंद पाई उनको सेंड करेंगे, आपकी जितनी मतलब मेडिसिन होगी उतने आपसे पाई लिए जाएंगे। पाई की प्राइस जो है वो बहुत ही हैवी बताई जा रही है क्योंकि लोग इसके ऊपर डेली माइनिंग करें और लोग इसके साथ डेली जुड़ते भी जा रहे हैं। जो मायने कर रहे हैं वो इसके ऊपर मतलब तसल्ली रखें कि उनकी जब तक केवाईसी नहीं हो जाती, जब इनकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो इनके जो कॉइन है वो माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। माइग्रेट कैसे होंगे? जब इनकी केवाईसी कंप्लीट होगी तो इनके जो कॉइन है वो इनके वैलेट में आ जाएंगे, ये अपने वैलेट से जिसको ट्रांसफर करना चाहें, जितने पैसों में सेल करना चाहें ये कर सकते हैं जब तक इनकी केवाईसी नहीं होती। शर्त यह है कि केवाईसी का होना जरूरी है। जो ही आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी आपके कॉइन जो है आपके वैलेट में आ जाएंगे जहां से आप जिस बंदे को चाहें ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं, और ये चाइना और भी कंट्री की जिनकी बात कर रहा हूं वहां पे इनकी जो मतलब प्राइस की बात की जा रही है वो की जा रही है $300+। एक क्वीन इज इक्वल टू $320, $356, मतलब $300+ की बात की जा रही है एक क्वीन की प्राइस। ये एक टोकन नहीं है दोस्तों, ये भी आपको बता दूं कि पाई नेटवर्क का जो क्वीन है वो टोकन नहीं है, वो क्वीन है, जैसे बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन के मुकाबले का क्वीन है दोस्तों।
तो आपने अगर इसके ऊपर आपकी केवाईसी नहीं हुई तो आपने इसके ऊपर घबराना नहीं है, माइनिंग आपने करते रहना है, इंशाल्लाह आपका भी केवाईसी होगा, आपका भी अकाउंट इसके ऊपर वेरीफाई होगा। आप भी यहां से पाई चेन माल से जो चीज मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं इंशाल्लाह। और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट करनी है, इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको सलूशन बताऊंगा। सो दोस्तों होप सो आपको पता चल गया होगा कि इसकी प्राइस क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि इसको चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में अगर यूज किया जा रहा है, अब इंडिया में भी इसका रेस्टोरेंट लॉन्च हो चुका है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी लॉन्च हो जाएगा, कोई ना कोई इसकी चीज ब्रांच मतलब यहाँ पे लॉन्च होगी जहां से पाकिस्तान के लोग भी परचेजिंग कर सकेंगे।